सो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे भाई लोगों, एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। और गाइस आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी रिमेक 3.3। तो गाइस जैसे कि आपको पता है न्यू अपडेट है और यहाँ पे कुछ न्यू पजल्स भी आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ न्यू टेक्निक्स भी आई हैं एस्केप करने के लिए और यहाँ पे कुछ न्यू प्लेस भी है जहाँ पे भाई हमको चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अमेजिंग सपोर्ट यार, थैंक यू। मतलब आप सभी ओपी हो यार। तो वी आर सो क्लोज टू 11K, तो 11,000 के हम बहुत ही पास हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर नए हो तो, ठीक है। उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना अगर आप कोई वीडियो मिस करना नहीं चाहते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं ग्रैनी के घर और फिर वहाँ से एस्केप करते हैं। मतलब पागल तो हम ही है भाई, पहले हम ग्रैनी के घर में घुसेंगे फिर वहाँ से एस्केप करेंगे। वाओ, मतलब कि ना बस मौज कर रही भाई, मतलब क्या ही कहें। ओके, तो गाइस आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करी हुई है इन लोगों ने, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था। बस हम आज ट्राई करेंगे भाई कहीं से एस्केप करने की। फिलहाल मैं अभी मैं कुछ नहीं बोलता भाई हम कहाँ से एस्केप करेंगे, बिकॉज लेट्स सी, हम कोशिश करेंगे वैसे मेन डोर के थ्रू एस्केप करने की। ओके, तो गाइस यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपडेट करी हुई हैं। देखो यहाँ पे पहले इतना लंबा रास्ता नहीं था, पर इन्होंने रास्ता भी चेंज किया और अभी स्नो थोड़ी सी इन्होंने लाइट कर दी है। और फिलहाल ये पूरा जंगल वाला एरिया है, इन्होंने पूरा ऐसा बना ही दिया कि जंगल ही जैसा। और आप वहाँ पे आवाज़ भी सुन सकते हो भाई, यहाँ पे जो चलने की आवाज़ है स्नो में, ऐसा सच में लग रहा है कि बंदा चल रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे जूम किया था और जूम करने के बाद ही हमारे पीछे टढ़ा हो जाएगी, धप्पा हो जाएगा। और गाइस तो ये रहा हमारा यूनिवर्सल प्लेस जहाँ से हमको एस्केप करना है और ग्रैनी हमको यहीं पे हर बार लाके छोड़ देती है। ठीक है, और फिलहाल मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ सर्चिंग करना और देखते हैं भाई हमको यहाँ पे कुछ मिल भी सकता है या नहीं। यार वैसे इस रूम में आज तक मुझे कुछ मिला नहीं ऑनेस्टली, सही बता रहा हूँ, पर एक बार यहाँ जाके देख लेते हैं क्या पता यहाँ कुछ। और यहाँ तो टट्टी सट्टी पत्ती रहती है, क्या क्या है भाई, अंतड़ियाँ पतड़ियाँ। ओके, एक शावर ये मिल चुका है। ओके, शावल है ये है। फिलहाल जो भाई शावल मुझे मिला था मैंने उसको नीचे की तरफ फेंक दिया। फिलहाल मैं इसका उठाऊँ यहाँ पे जो है अभी स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। अरे मैन, आई शुड रन ब्रो। Oh shit. अबे ये पीछे से निकल के आ गया, अबे क्या ही कहें यार भाई। अब भाई यहाँ पे की पड़ी है, पता नहीं कौन सी की है वो, मुझे नहीं पता, पर इस की का भी यूज़ हम कर सकते हैं। और उससे पहले मुझे ये भाई इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। ओके, देखते हैं फिलहाल हम इसको, फिलहाल हम यहाँ पे ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से बच के भागेंगे। ओके, तो हियर वी गो। और इसको यहाँ से जाना है। स्क्रू ड्राइवर वाला एरिया कहाँ गया भाई, ये
भाई मास्टर की फिर से मिल गई भी। मास्टर की का जो भी सीन है मुझे नहीं पता फिलहाल, में इसको ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके फिलहाल ये शावल मिला है, शावल लेके देखते हैं भाई पीछे से की तरफ। यहाँ पे खोदने खादने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मुझे ड्रॉ में भी एक की और मिली थी। एक्चुअली अपडेट, इस अपडेट के बाद ना गाइस यहाँ पे एक्चुअली दो से बैटरीज हैं। बैटरी का क्या काम का यार मुझे ये, कार बैटरी होगी ना। चलो इसको छोड़ते हैं फिलहाल। मैं ये इस वाले एरिया को भी देख लेते हैं, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई अब ना मुझे इसको चीज़ को फेंक देना चाहिए। मास्टर की का यूज़ पता नहीं कहाँ पर है, मुझे नहीं पता कहीं पे होगा। तो फिलहाल मास्टर की को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। अरे ब्रो ओके, तो गाइस हमको यहाँ पे पैडलॉक की मिल चुकी है। ओके पैडलॉक की गई। ओके यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ग्रैनी कहाँ है भाई, पहले ग्रैनी को देखना पड़ेगा। यहाँ पे शावर अभी ब्रास पड़ा तो मैं देख लेता हूँ, क्या पता मैं एक आध जगह और यहाँ पे खुदाई कर सकूँ। ओके हाँ एक और स्पॉट है यहाँ पर भाई, तो मैं वहाँ पे भी करता हूँ भाई। ग्रैनी इस तरफ से नहीं आ सकता है तो मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ क्या मिल सकता है। ओके एक वाटरमेलन मिल चुका है, बहुत अच्छी बात। ओके हमेशा की तरह इसमें सेब की मिली है, तो मैं जा रहा हूँ सेब को ओपन करने। सॉरी ओके तो हमारे पास सेब की मिल चुकी है गाइस। इस बार यहाँ पे कुछ भी क्या है, नहीं कुछ नहीं है। ओके तो गाइस हमें यहाँ पे ना कटिंग प्लायर मिला है। ओके इस कटिंग प्लायर का यूज़ हम कर सकते हैं ऊपर की साइड। तो उससे पहले मैंने ग्रैनी को भाई यहाँ नीचे की साइड बुलाना पड़ेगा, इसको यहाँ से भागना पड़ेगा मैंने एक्चुअली ना। ये एक्चुअली ना इसमें ट्रैप्स को काटने का भी ऑप्शन होना चाहिए, जो वायर्स हैं जिनसे पैर लग के बिल्कुल ही पैं पूं हो जाती है, वो भी हम काट सकते हैं। वो इस प्लायर से ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि भाई हम हर बार जाते हैं तो भाई गड़बड़ हो जाती है ना मैटर फिर। भाई और कुछ नहीं, पहले मैंने मास्टर की का हिसाब ढूंढना है यार। वो मास्टर की का क्या है हिसाब किताब।
ओके, तो ये लॉक्ड है दूसरी साइड से। भाई ये वन वे है अभी, क्योंकि मैंने ऊपर का साइड वहां से ओपन नहीं किया है। भाई यहाँ ग्रैनी आ गई तो मैं तो गया। ऐसे इसके अंदर भी छुपने वाला हो सकता था, पर नहीं है। सो फार गुड। ओके, फिलहाल एक चीज़ मिली है, मैं इसी चीज़ को लेके भाग रहा हूँ यहाँ से। भाई सी आज तो जाएगा, अरे आज स्टक ना हो। नो नो प्लीज, नो 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 नो, गो अदर वे, गो अदर वे प्लीज। भाई वैसे गया उसी रास्ते जिस तरफ से मुझे जाना है। इस बार टन्ने टुन्ने नहीं होनी चाहिए, अगर टन्ने टुन्नू हुई तो ये आके मुझे टंटना देगा। भागे से। ओह थैंक यू। व्हाट द हैक, भाई यूवी फ्लैशलाइट मिली है। यूवी फ्लैशलाइट से भाई मैंने यहाँ पे वो ढूंढने हैं। Shit. वो कोड ढूंढना पड़ेगा मुझे। पर वैसे कोड ढूंढने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि भाई कार स्किप मैं करने वाला हूँ नहीं, पर फिर भी देखते हैं, क्या पता मुझे यहाँ पे कुछ काम की चीज़ मिल जाए तो उसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे मास्टर की के बारे में पता करना है, मास्टर की कहाँ पे यूज़ हो रही है। फिलहाल मुझे एक हैमर चाहिए अभी तो। ओ ये रहा कोड, एक डाउन, दो पर साइड एक डाउन। ओके, तो वो इस तरफ आ गया है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ फिलहाल नीचे की साइड, और ताकि मैं देखता हूँ भाई यहाँ जाके क्या पता मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए फिर से। क्योंकि भाई उस बार गया था तो मुझे वहाँ पे हैंडल मिला था, तो इस बार फिर ट्राई कर लेते हैं। बस ये है कि इस बार मुझे मरना नहीं है। ओ भाई ओके, इसी की वजह से मैं पिछली बार पी हो गई थी यहाँ पर।
अभी फ़िलहाल यहाँ पे खुश होने की बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पैं करने वाले हैं। शिट, भाई मुझे यहाँ पे हाइड होना पड़ेगा क्योंकि मैं पेन हो गई थी यहाँ पर। Let me see. Come on, man. I was jumped really nicely. I found nothing there, bro. यार कोई तो बताओ मास्टर की का यूज कहाँ पे करूँ मैं। ओके यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला भाई। यस 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 इसी कमी थी। भाई यार एंटीना तो ये पड़ा है भाई। ओके हियर वी गो। Okay, we got this.
need a hammer, man. हैमर भाई, हैमर कहाँ मिलेगा यार? मैं अभी तक ऊपर साइड नहीं गया ना, तो मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर की साइड. ठीक है, यहीं से निकलते हैं ऊपर की साइड. टॉप फ्लोर वाले में नहीं गया हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है. कमॉन ब्रो, कुछ तो दे. ओके, उससे पहले यहाँ पे भी देख लेता हूँ कुछ. ओके, नथिंग इज हियर. फिर से डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई, ताकि मैं इसको यहाँ से इजीली ओपन कर सकूँ. इसको ओपन करना पड़ता है और उसके बाद वहाँ से मुझे वहाँ से सामान भी उठाना पड़ेगा जो भी उसके अंदर होगा. ठीक है, हाँ मुझे लग ही रहा था यही होगा इसके अंदर. अबे यहाँ तो कुछ भी नहीं है वे. कट गया भाई. अबे इसके अंदर से कुछ भी नहीं मिला भाई. वहाँ पे और कुछ नहीं हो सिवाय उन पेंटिंग्स के, वॉल पेंटिंग्स के. तो मुझे ना वो उन वॉल पेंटिंग्स को एक बार इनकी साइट स्विच करके देखना पड़ेगा. ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले से. Oh shit. No. Oh, that was close.
ओह नाइस, फाइनली भाई खुल गया। भाई यहाँ पे ना एक वो आता है चेक करके, अरे थोड़ा सा उससे बच के रहना पड़ेगा बस। ओह शिट सी, भाई यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई। That was totally empty. ओके लेट्स सी डाउन साइड वन मोर टाइम।
एक बार वो मास्टर के लेके जाता हूँ मैं भाई वहां पे। वैसे मैंने मास्टर की छोड़ी कहाँ थी मुझे भाई ये भी नहीं बताया। मास्टर के लिए आके मैं वहाँ जाता हूँ नीचे की साइड देखता हूँ वहाँ पे काम होता है कि नहीं। Do you this master key bow? Is there something in this wall? Oh shit.